हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामलर रनर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पीसी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनर्जी ड्रिंक्स एंड द स्पोर्ट्स ड्रिंक। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइस इस बारे में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। क्या ये दोनों एक ही चीज है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो विच वन इज बेटर, विच वन वी शुड गो फॉर, क्या हमें एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए या हमें स्पोर्ट्स ड्रिंक लेनी चाहिए। तो इस बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो गाइस प्लीज डू चेक माय वीडियो टू द वेरी एंड। तो गाइस बात कर लेते हैं पहले कि क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड द एनर्जी ड्रिंक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों के अपने पर्पस हैं और हम दोनों को एक ही चीज नहीं मान सकते। मींस वी कांट रिप्लेस वन फॉर द अदर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड द एनर्जी ड्रिंक्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स। एंड गाइस जहां तक रही मार्केटिंग की बात, जिस तरीके से इनको इनकी मार्केटिंग की जाती है, एड्स हमें दिखाए जाते हैं, तो हमें लगता है दैट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स डू इट ऑल फॉर अस। वो हमारे एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करते हैं, हमारे एंड्योरेंस लेवल को एनहांस करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, एंड फाइनली वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स। बट क्या वाकई में ऐसा है या लोगों को सिर्फ पागल बनाया जाता है? तो गाइस जानते हैं सबसे पहले व्हाट आर द स्पोर्ट्स ड्रिंक। तो अगर मैं स्पोर्ट्स ड्रिंक की बात करता हूँ गाइस, लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक को यूज करते हैं टू रिप्लेस द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। गाइस जब भी हम वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बी एट लिफ्टिंग ऑफ द वेट्स इन द जिम, या फिर हम रनिंग के लिए जा रहे हैं, हम किसी भी तरीके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वी स्वेट आउट, हम थकते हैं, हमारा पसीना निकलता है, और उस पसीने में क्या होता है गाइस, हमारा क्या होता है, हम डिहाइड्रेट होते हैं। हमारे पसीने के थ्रू जितने हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो डिप्लीट होते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स ड्रिंक क्या करते हैं, जो भी हम स्वेट आउट हो रहे हैं, हम वाटर डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो उसको दोबारा से रिप्लेनिश करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, एक बेसिक आइडिया दूं, तो ये क्या है, पानी और चीनी का घोल है। चीनी मीन्स सिंपल शुगर्स, एंड सिंपल शुगर्स मीन्स कार्ब्स हैं, एंड दीज आर द मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ द फ्यूल फॉर योर बॉडी। जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, बॉडी उनको उनको यूटिलाइज करता है फॉर द वर्कआउट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश कर रहे हैं, उनको दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। जहां तक मैंने इंग्रीडियंट्स की बात कही, तो गाइस जैसे मैंने कहा पानी और चीनी का घोल है, तो इसके अंदर सिंपल शुगर है, कार्ब्स है, मींस इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज द मिनरल्स, इसके अंदर पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम, नमक, जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम रनिंग कर रहे होते हैं नमक की कमी आती है, इसलिए हमारे क्रैम्स आना शुरू कर देते हैं। दैट इज द रीजन आपको कहा जाता है कि आप बार बार पानी पीजिए। पानी क्या करता है गाइस, जो भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और द मिनरल्स हैं, उनको पुश ऑन करेगा हमारी बॉडी के अंदर, सो दैट वो हमारी बॉडी से बाहर ना निकले, वी डोंट गेट डिहाइड्रेटेड, क्रैम्स ना आए, इसलिए गाइस पानी हमें रिकमेंड किया जाता है। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक का भी बेसिकली वही काम है, जो भी हमने थ्रू आउट द डे अपनी बैलेंस्ड डाइट ली है, जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट्स हमने ले रखे हैं, हेल्दी फैट्स, जितने भी हमने विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कंज्यूम किए हैं, तो पानी उनको पुश ऑन करेगा और हमें हाइड्रेटेड रखेगा थ्रू आउट आवर वर्कआउट। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक का भी बेसिकली यही काम रहने वाला है। कुछ अगर आप हाई लेवल के ब्रांड्स जाते हैं तो उनके अंदर आपको बहुत कम परसेंटेज पे प्रोटीन भी मिल सकता है, उसके अंदर कुछ विटामिंस भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आप स्पोर्ट्स ड्रिंक यू गो फॉर, टेक फॉर इंस्टेंस आप गेटोरेड ले रहे हैं, एसोरेड ले रहे हैं, पावर एड ले रहे हैं, तो इनमें बेसिक जो रहेगा इंग्रेडिएंट, दैट विल बी द इलेक्ट्रोलाइट्स, दे विल बी हैविंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मैंने बताया मिनरल्स उसके अंदर रहेंगे, उसके अंदर सिंपल शुगर रहेंगे, दीज विल बी द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। स्पोर्ट्स ड्रिंक का बेसिक का काम क्या है कि जो आपके बॉडी के फ्लूइड्स के बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं गाइस एनर्जी ड्रिंक्स की। सो गाइस एनर्जी ड्रिंक्स को लोग यूज करते हैं बिकॉज ये क्लेम करती है कि आपके एनर्जी लेवल्स को एनहांस करते हैं, आपके कॉन्सेंट्रेशन को, आपके फोकस को इम्प्रूव करते हैं, आपके जो एंड्योरेंस है उसको एनहांस करते हैं, इनफैक्ट आपके वेट लॉस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो एनर्जी ड्रिंक्स का है, दैट इज कैफीन। इट कैन ऑल्सो कंटेन सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गुआराना प्लांट, वो भी सिमिलर टू कैफीन है। अमीनो एसिड रहेगा इसके अंदर टॉरिन, एंड बहुत ही कम इसके अंदर रहेंगे कार्ब्स, विच विल बी द फॉर्म ऑफ द सिंपल शुगर, सिंपल चीनी के फॉर्म में बहुत कम रहेगा, एंड सम विटामिंस। तो मेन इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर रहने वाला है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, जो कैफीन है। कैफीन जैसे सबको पता है कि वो आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है। तो क्या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है, दीज आर सेफुल सेफ फॉर द चिल्ड्रन एंड द टीन्स, क्या वो इसको ड्रिंक कर सकते हैं? तो गाइज जब भी आप कोई एनर्जी ड्रिंक खरीदेंगे तो उसके पीछे स्पेसिफिकली मेंशन रहता है दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन एंड द टीन्स, बिकॉज इसके अंदर कैफीन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। बात कर लेते हैं क्या एडल्ट्स इसको ले सकते हैं।
सो गाइज कैफीन क्या कर रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स को एनहांस कर रहा है. आपके एनर्जी लेवल्स लो कब रहेंगे, जब आपने प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रखी है, यू हैव नॉट बीन हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, आपने एक अच्छी डाइट एक न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो नहीं करा है, तब आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे. आपकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है, आपने पिछले जो आपने ट्रेनिंग की है उससे रिकवरी नहीं हुई, आपने एक अच्छी स्लीप नहीं ले रखी है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आपके ऊपर वर्क का लोड है, प्रेशर है, स्ट्रेस फ्रॉम द ऑफिस. तो इस वजह से क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है बॉडी के अंदर, हमारी रिकवरी नहीं हो पाती है एंड हमारे एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं. उन एनर्जी लेवल्स को हाई करने के लिए हम ये एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं जिनके अंदर बेसिकली कैफीन है. तो वंस इन अ व्हाइल आप इसको ले सकते हैं, दीज आर रिकमेंडेड दैट टू ओनली फॉर द एडल्ट्स. कभी कभार आप महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार बेसिकली आप इनको ले सकते हैं जब किसी भी कारणवश की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं. लेकिन काफी लोग मैंने देखे हैं दे बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन दीज. कुछ लोग तो गाइज मैंने ऐसे देखे हैं वो बिना कैफीन के वर्कआउट ही नहीं कर सकते. प्री वर्कआउट्स में मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, इट इज फुल ऑफ कैफीन. तो कैफीन आपके एनर्जी लेवल्स को हाई कर रहा है. तो गाइज डेली बेसिस पे कैफीन इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. जो सेफ डोसेज है एडल्ट्स के लिए दैट इज अराउंड 2 to 3 grams ऑन डेली बेसिस दे कैन कंज्यूम इट. लेकिन जो ये एनर्जी ड्रिंक्स है गाइज, मैंने कुछ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स देखे हैं, 500 ml ऑफ दिस एनर्जी ड्रिंक कैन कंटेन ऑलमोस्ट 5 to 6 grams ऑफ द कैफीन, विच इज इक्विवेलेंट कि आपने 14 कोला की कैंस आपने एक बार में कंज्यूम कर लिए, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. कैफीन अगर आप ज्यादा ले लेते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, नींद ना आना, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कॉन्वुलशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स होना. सो गाइस बहुत बड़ी लिस्ट है साइड इफेक्ट जब आप ज्यादा कैफीन ले लेते हैं, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं आप ज्यादा कैफीन लेते हैं. तो गाइज एनर्जी ड्रिंक्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर द टीन्स एंड फॉर द चिल्ड्रन एज फार एज द एडल्ट्स आर कंसर्न. बहुत पहले मैं सभी लोगों को कहूंगा डैट आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, स्टे हाइड्रेटेड, यू वोंट रिक्वायर दीज एनर्जी ड्रिंक्स एट ऑल. सो गाइज क्या स्पोर्ट्स ड्रिंक फिर हमारे लिए रिकमेंडेड, क्या हम स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं? वंस अगेन गाइज आपको हाइड्रेटेड रहना है तो आपको थ्रू आउट द डे प्लेंटी ऑफ द वाटर ड्रिंक करना है, आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोगों का वर्कआउट जिम में 1 घंटे करीब रहने वाला है, 1.5 घंटे करीब रहना है, तो उन लोगों के लिए पानी बेस्ट ऑप्शन में दोबारा बताने वाला हूँ. बैलेंस डाइट लेनी है थ्रू आउट द डे, पानी आप वर्कआउट के दौरान भी लीजिए. काफी लोग मैंने देखे ये मिस्टेक करते हैं, डोंट ड्रिंक वाटर थ्रू आउट देयर वर्कआउट. सिप्स में आपको पानी पीते जाना है थ्रू आउट योर वर्कआउट. उससे क्या रहेगा, जो भी आपके मिनरल्स रहेंगे बॉडी के, आपके न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, विटामिंस रहेंगे, वो इंटैक्ट रहेंगे एंड आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी थ्रू आउट योर वर्कआउट. तो जिनका वर्कआउट 1 घंटा रहने वाला है उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्पोर्ट्स ड्रिंक की. हाँ, जिनका वर्कआउट इंटेंस रहने वाला, स्ट्रेनस रहने वाला, थकाने वाला, मैराथन रनर्स, द एंड्योरेंस साइक्लिस्ट एंड दैट टू जो मैराथनर्स जो हाफ मैराथन भाग रहे हैं, जो फुल मैराथन भाग रहे हैं, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वालों के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन, अल्ट्रा रनर्स, वो स्पोर्ट्स ड्रिंक दे कैन गो फॉर. बेस्ट ऑप्शन जैसे मैंने बताया, हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे. सो फाइनल टेकअवे क्या रहने वाला है, सबसे पहले स्पोर्ट्स ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स टू डिफरेंट थिंग्स. नेक्स्ट चीज क्या है, एनर्जी ड्रिंक्स नॉट रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द टीन्स. एडल्ट्स कैन टेक इट बट वंस इन अ व्हाइल, बहुत ही कम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहिए, आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना. जैसे कि बता चुका हूँ कैफीन के बहुत सारे एक्स्ट्रा कैफीन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स. स्पोर्ट्स ड्रिंक जो लोगों का वर्कआउट सिर्फ 1 घंटा रहने वाला है वो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स ड्रिंक ना ले, ड्रिंक अ लॉट ऑफ द वाटर. बिकॉज जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट्स ड्रिंक क्या एक क्या है, पानी और चीनी का बेसिक गोल है. चीनी के अंदर लॉट ऑफ कैलोरीज हैं, तो डैट अगर आप लोगों का प्रायर एम है कि आपको फैट लॉस करना है तो वो गेन ही होगा आपका वेट, दैट वोंट बी बेनिफिशियल टू यू. स्पोर्ट्स ड्रिंक बेनिफिशियल नहीं होगा. जिन लोगों का थकाने वाला है, इंटेंस वर्कआउट प्रोग्राम रहने वाला है, दे कैन गो फॉर द स्पोर्ट्स ड्रिंक एज वेल. बट बेस्ट चीज क्या है, have a balanced diet, stay hydrated throughout the day, you won't require any of these things. So water is the best option available. I hope guys aapko video pasand aaya hoga, informative laga hoga. Milta hu guys aapko apni next video mein. Till then stay fit, stay healthy, bye guys.